यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, वो भी मैं अपने वर्ल्ड में खेलने वाला हूँ। तो पहले फटाफट से गुड मॉर्निंग कर लेते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई तुम तो फोर्ट्रेस में लास्ट वीडियो में मर गए थे, तो फिर तुम्हारे पास इतना सारा सामान कहाँ से आया। भाई मैं मर गया था, मैं सारा सामान जल गया था, बट मेरे को मेरी ये चीज़ मिल गई थी, सॉर्ड और पिकैक्स मिल गई थी, बाकी सब जल गया था। फिर मैंने थोड़ी बहुत ऑफलाइन ग्राइंडिंग की और अब मैं आपको दिखा दूँगी मेरी ग्राइंडिंग कहाँ तक पहुँच गई है। वेट, मेरे पे बकेट भी नहीं है। अब मैं आप लोगों को ऑफलाइन ग्राइंडिंग दिखाता हूँ। पहले तो इस चेस्ट पर आ जाओ। ये चेस्ट पुरानी चेस्ट है, लेकिन नहीं, अब ये ज़्यादा दिन पुरानी नहीं रहेगी। फ़िलहाल खाना उठा लेते हैं, क्योंकि मैंने अपना थोड़ा बहुत आर्मर बनाया, लेकिन अभी मेरा आर्मर कमज़ोर है। ये देखो गाइस, ये है मेरी ऑफलाइन ग्राइंडिंग और ये मैंने कुछ रेल्स बना के रखी। फ़िलहाल मेरे को और भी रेल्स बनानी है। अब चलते हैं यहाँ पे। ये क्या, ये तो वापसी है। वेट नहीं, भाई इसको भी आज ही फटना था क्या। फिलहाल मैं अपने घर को रिपेयर करता हूँ और मिलता हूँ। ओ भाई नहीं, एक और भग 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 भग, आजा बेटे। लिटरली मैंने सॉर्ड भी नहीं चलाई इस पर, मेरी सॉर्ड लेकिन अभी अल्ट्रा पावर को नहीं है भाई साहब। नुकसान भाई, नुकसान पे नुकसान हो जा रहा है। हो क्या रहा है भाई, मतलब एकदम से इतने क्रीपर कैसे आ गए। वेट गाइस, और हाँ मैं आप लोगों को कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें और दिखाता हूँ। ये मैंने रेल बना रखी है, बट ये अभी पूरी बनी नहीं है, अभी मेरे को पूरी कनेक्ट करनी है। ये रास्ते में हमारे विलेज तक लेके आता है। ये मैंने बहुत आगे तक बना रखा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। देखो वहाँ से आगे से राइड भी हो जाता है। अब फिलहाल मैं गड्ढे को भरता हूँ। तो ओके गाइस, अभी फ़िलहाल मैंने घर रिपेयर कर दिया, बट मेरा एक घाटा हो गया और वो है दो बुक शेल्फ का घाटा, बट वो तो मैं रिपेयर कर ही दूंगा। मैं आपको अपनी थोड़ी बहुत ऑफलाइन ग्राइंडिंग दिखा देता हूँ, जो कि इस चेस्ट में भी है। ये 35 डायमंड्स प्लस 8 गोल्ड। अब आप सोच रहे हो भाई बस यही ग्राइंडिंग है। नहीं मेरे भाइयों, अब आ जाओ रियल ग्राइंडिंग दिखाना हूँ मैं तुम्हें। ये मैंने एक नीचे एक छोटा सा सीक्रेट सा बंकर सा बनाया है। ओ भाई भाई भाई, 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 भाई। ये स्लाइम क्या कर रही है भाई यहाँ पे। भाई मेरे तो पावरफुल आर्मर भी नहीं है। वेट 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 गाइस, थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हैं। अभी स्लाइम को मौत के घाट में उतार दूंगा मैं। अभी बस देखो गाइस, एंड इन 3 2 1 लेट द फुट आउट। बेटा फायर रिस्पेक्ट है, मजाक नहीं है। आ जा आ जा आ जा आ जा, कितनी स्लाइम है। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, ऐसी हवा में चला रहा हूँ, ऐसी 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 ऐसी। भाई अटक कैसे रही है हवा में। वेट, हवा में अटक कैसे रही है भाई। नेट तो ओके गाइस, मैं फिलहाल भी ज्वाइन कर चुका हूँ। वेट वेट वेट, ये क्या सुन रहा है। क्या सुन रहा है, क्या सुन रहा है। मैं बारात में आया हूँ, बारात में आया हूँ। और गाइस देख लो, मैंने अपने दूसरा आर्मर बनाया, उस पर भी थोड़ी बहुत एन्चेंटमेंट्स करनी है। और मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत अपनी ग्राइंडिंग जो है दिखाता हूँ। ये रही वो ग्राइंडिंग वो रहा, ये रही अपने नदर रैक्स। और सबसे सरप्राइजिंग चीज़ अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। 3 2 1 लेट्स गो, चेक दिस आउट। 8 नेदराइट स्क्रैप, थोड़ा बहुत स्लाइम बोलो डाल देते हैं इधर, बाकी मैग्मा क्यूब भी है, वो गोल्डन एप्पल भी है यहाँ पे। और फिलहाल ये सस्ता सा आर्मर भी है, फिलहाल अभी इक्विप करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी ये उग चुकी हैं, तो इनको निकाल दिया जाए। देखते हैं कितनी मिली, 3 मिली है ना। इसको भी निकालते हैं, 1 ही मिली। इसको निकाल लेते हैं, 5 हो गई। फिलहाल इन नजर रैक्स को भी रखते हैं, सब जब एक साथ उग जाएंगे जब निकाल लूँगा। फिलहाल हाँ मेरे को रेड स्टोन चाहिए होगा, बस इतना चाहिए होगा, काफ़ी है। स्टिक्स उठा दें थोड़ी बहुत। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बेसिकली मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ। अभी तो रात हो गई और मैं मछली बन चुका हूँ। ऊपर चलते हैं फिलहाल।
लेट गो यार, सो जाते हैं। मुझे स्लाइम है ना, इसको पेलना पड़ेगा। आ जा, वेट भाई, मैं ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा। तो गए गाइस, अभी फिलहाल सुबह हो रही है अपनी, जस्ट बाहर ही नहीं आ पाएंगे। अभी बेसिकली मैं रेल को पूरा विलेज तक कनेक्ट करने वाला हूँ, तो मेरे को अराउंड काफ़ी सारी रेल चाहिए। फिलहाल फटाफट से गोल्ड निकालते हैं, अच्छा खासा ये लगेगी, और मैं बना लेता हूँ फटाफट से पावर रेल। और नॉर्मल रेल का कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं सारी पावर रेल लगाने वाला हूँ। थोड़ी बहुत टॉर्चेज भी निकाल लेता हूँ। फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ काम कहाँ तक बना है अपना। अब बनाओ टॉर्चेज, थोड़ी बहुत सी और बना ली टॉर्चेज, मेरे को और पाउडर लगेगी तो मैं और गोल्ड ले आता हूँ, बाकी रास्ते में ही देख लेंगे। क्राफ्टिंग टेबल भी उठा ही लेता हूँ, लेट्स गो। अब मैं माइन कार्ट के लिए आयरन भी ले लेता हूँ, वहाँ से जब बिठाना होगा मेरे को, तो एक स्टैक आयरन बहुत है अपने लिए। लेट्स गो, यहाँ से दरवाज़ा बंद किया, ये लगी अपनी माइन कार्ट, फटाफट से इसको भगा दिया। ओ भाई साहब, अकेले भग गई वो, फायदा नहीं है गाइस कुछ, एक और बनानी पड़ेगी। बस ऐसे किया, ये आ गई अपनी माइन कार्ट, लेट्स गो। इसको ऐसे रखो, अपनी क्राफ्टिंग टेबल उठा लेते हैं। अब दिखा दो मैंने इसका काम कहाँ तक करा है। बस यहीं तक ही काम हुआ है अभी तक, बट दूसरी वाली माइनकार्ट कहाँ गई, नज़र ही नहीं आ रही। अब मैं पहले यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ। ये आ गई अपनी पावर ड्रिल्स, इन्हें लगाते रहते हैं, और एक रेडस्टोन टॉर्च भी हाथ में पकड़नी पड़ेगी मेरे को फटाफट से। ओ भाई वेट, मैं गिरने वाला था लिटरली। लेट गो, सब चालू हो गया, मैं फटाफट से लगाता हूँ और फिर मिलता हूँ। तो अभी गाइज हमारी पावर रेल्स भी ख़त्म हो चुकी हैं। फिलहाल मैं रेडस्टोन टॉर्च को थोड़ा सही से लगा देता हूँ ऐसे करके। अभी फ़िलहाल यहाँ रखते हैं क्राफ्टिंग टेबल, और काफ़ी सारी पावर रेल्स बना लेता हूँ मैं। ये रखी रेडस्टोन, ये रखा ये। भाई ये क्या स्कैम हो जाता है हर बारी में, काफ़ी है भाई। वैसे भी रास्ता भी लंबा है, काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो थोड़ा बहुत गोल्ड मेरे को स्मेल्ट करने के लिए भी रख देना चाहिए था, बट फिलहाल चलते ही रहते हैं। कम ऑन कम ऑन, फेड भाई भी रेड स्टोन टॉर्च तो लगाई नहीं, आगे तक हो गई, चमत्कार हो गया। और मैं, आप लोग सोचो कि पावर रेल डुप्लीकेटर की नहीं बना रहा, क्योंकि वो पॉकेट एडिशन के लिए है ही नहीं। अगर होगा तो मेरे को कमेंट में बताना, फिर मैं सारी पावर रेल दोबारा तोड़ के फिर डुप्लीकेटर वाली रेल बनाएंगे हम। लेट्स गो फटाफट से, बहुत दूर है अभी अपना विलेज। बाकी इस रास्ते के लिए जो ग्राइंडिंग किया हुआ, इसके लिए कमेंट में तारीफ करना अपने भाई की। तो मिलता हूँ आपसे रेल्स को पूरा करके। गाइस अभी फ़िलहाल हमने रेल पूरी आगे तक कंप्लीट कर दी है, और मेरी टॉर्चेस और हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने रास्ता बनाया कहाँ तक है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, फटाफट से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या कहते हैं मैंने कहाँ पे, और मैंने इसको मोड़ने के लिए नॉर्मल रेल का इस्तेमाल भी किया है। उसके अलावा भी वो देखो, वो रहा अपना विलेज, और उसके किसी घर में अपना सारा सामान पड़ा है, मतलब जो मैं पिछली बारी छोड़ गया था यहाँ पे। तो फटाफट से मैं इसको यहाँ पे उतारता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अभी मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर दिया, आप लोग देखोगे आप बोलोगे भाई क्या ही
बिग ब्रेन लगाया है। तो अभी मैं आप लोगों को प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि मैंने एक्चुअली में बनाया क्या है। फिलहाल मेरे को मेरा सामान भी ढूंढना है। बच्चों पर हाथ नहीं उठाता भाई, बस ये थोड़ा सा कुत्ता बच्चा है ना, तो इसको पेल देता हूँ। इसमें आग ही लगा देता हूँ, आग लगा देता है इसमें। मेरे एक ही फटके में वही कहने लगा लेता, मर जाए। मैं ऐसे बैनर भी ले आऊँगा, बट चेक दिस आउट भाई, खाना मेरा लिटरली पोर शॉप सारे ख़त्म हो गए हैं। अब बस कुछ नहीं चाहिए अपने को, बस बहुत सामान है यार यहाँ पे। क्या ही बोलूँ, दिल खुश हो गया भाई सामान देख के। एमरल्ड्स, क्राफ्टिंग टेबल, वुड, हे बेल्स वगैरह सारे। बट मैं अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। मैं विलेजर को इसमें पुश करूँगा, फिर वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट जाएगा लिफ्ट में, और ये लिफ्ट नीचे तो जाती नहीं है, डायरेक्ट ऊपर जाएगी। ऊपर जाते के साथ ही विलेजर देखो, ओ मैं कहाँ पहुँच गया, या तो एक माइन कार्ट है, वो सीधा माइन कार्ट में बैठेगा। नहीं बैठेगा तो मैं उसको पुश करके बैठाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं ये तोड़ूंगा और ये तोड़ूंगा, और ऑटोमेटिकली वो विलेजर सीधा पहुंच जाएगा वहां पे अपने मतलब बेस में। और फिलहाल मैं और माइन कार्ट्स बना लेता हूँ जितनी बना सकता हूँ। बाकी आयरन तो नीचे पड़ा हुआ है तीन, मेरे को कम से कम छः विलेजर्स को लेके जाना है। अब आप लोग सोच रहे हो भाई यहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ है, भाई वो है ही नहीं, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। फिलहाल इस क्राफ्टिंग टेबल को भी तोड़ ही लिया जाए, और फिर यहाँ पे से अब मेरे को MLG करनी पड़ेगी, या फिर मेरा फेदर फॉलिंग मेरे को बचा लेगा। लेट्स गो, और मैं मरा। नो ब्रो नो, वेट, MLG और रॉड भाई, वाटर बकेट ट्रिक। अब मैं फटाफट से इस विलेजर को लेके आता हूँ। आजा भाई, ये भाई बहुत काम का विलेजर है। आजा आजा आजा, पहले इसको बोट में बिठा के वहाँ तक लेके आता हूँ। फिलहाल मैं एक बोट बना लेता हूँ, वैसे बोट की भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर ही किसी विलेजर को पुश कर। आजा आजा, अरे भाई गेट बंद मत कर, इधर आ। आजा 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 आजा, छोड़ दिखाऊँ। आजा आजा, वेट वेट, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। आजा ब्रो आजा आजा भाई भाई, एक तो एक गड्ढा और कर दिया क्रीपर ने मेरे मुंह पे आके। अंदर चलना भाई, कहाँ जा रहा है, वेट वेट मैं इसको मनाता हूँ। तो गाइस अभी फिलहाल एक विलेजर को ऊपर पहुँचा दिया है, दूसरा भी चला गया, और अभी चलते हैं ऊपर। वैसे ये जॉब तो लेगा नहीं मुझसे, इसको मारने वाला हूँ मैं, ये ग्रीन वाले जॉब्स नहीं लेते ना। वेट अभी मेरे को देखो, पैरा विलेजर बैठ गया नहीं, बैठ गया बैठ गया भाई, लौंडा माइन कार्ट के अंदर बैठ चुका है, इसको पेलने वाले हैं। नहीं वेट भाई, तेरे को ये नहीं करना है ब्रो, तेरे को बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ले ये बंदी हो गई है, और फिलहाल तेरे को सीधा उसमें बैठना है, माइन कार्ट में बैठा है ना तू, तेरे को सीधा आना है, जो मैंने ट्रैक बना रखा है ना, ये ले आएगा तेरे को भाई। वेट यहाँ पे एक उसकी कमी पड़ गई मेरे को, मेरे पे आयरन भी नहीं है ना, एक है यार आयरन, गोल्ड है। फटाफट से मैं नीचे से आके लेकर आता हूँ, MLG दिखानी पड़ेगी। लेट, तो गाइस अभी फ़िलहाल मैंने वो लगा दिया है, अभी फ़िलहाल इसको पुश करते हैं। लेट्स गो भाई, लेट्स गो, हम भी बैठ जाते हैं। ये मत करो यार, चल ना भाई, क्या सीन हो रहे हैं। तो मेरी आखिरी माइन कार्ट है, मेरे को इसको सुरक्षित पहुंचाना है वहां तक। वेट भाई साहब, विलेजर आगे आ रहे हैं, लेकिन ये माइन कार्ट पीछे जो आ रही है, इसको तोड़ना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ में जाना है, तो फटाफट से चलते हैं। ये भाई रेल ग्लिच क्यों मार रही है भाई, नहीं तो जाके चेक करना पड़ेगा, एक टाइम पे एक ही छोड़नी चाहिए यार। गलत सीन गाइस, गलत सीन, मैं और आयरन उठा लूँगा और माइन कार्ट बनाने के लिए, बट फिलहाल मैं इसको भी तोड़ने वाला हूँ। भग जा, फिलहाल मेरे को लग रहा है वर्क कर रही है, लेकिन मेरे को पहले उस विलेजर को सुरक्षित करना पड़ेगा, नहीं तो सीन हो जाएगा।
उनसे मैं इनकी जॉब भी छीन चुका हूँ, मतलब इससे ने तो नहीं छीन सकता हूँ, बाकी नीचे वाले की जरूर छीन, बाकी उनको तगड़ी सी जॉब देंगे जो कि है। उसकी माइंड कार्ड भी नहीं चल रही है, इसकी माइंड कार्ड से तेज तो मैं ही चल लूंगा, बट काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रास्ता है ये। और अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको नेक्स्ट लेवल वाटर बकेट MLG। अभी तो बस देखते रहो भाई, थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेगी मेरे को, वो पहुँच भी गया। लो भाई क्या फास्ट भी ले जा रहे? नहीं 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 वापिस नहीं आना, वापिस तो आ, वापिस कैसे आया भाई वो? वेट वेट वेट, वापिस कैसे आ गया? यहाँ पे भी एक थी, इसको टकरा के वो वापिस 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 आ जाएगा अभी। वेट मैं वहाँ पहुँचता हूँ पहले तो भाई, क्या सीन क्या चल रहा है तुम लोग? ये लगाई यहाँ पे माइन कार्ट, ये करा इस पे राइड, बस ये दबाया ऑटोमेटिकली विलेजर हमारे पास ही होगा। मेरे को ना गाइस बिल्कुल रेल सिस्टम बिल्कुल समझ नहीं आता, वो देखो आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है भाई वो। चलो फिलहाल उसके पास ही पहुंच के आप लोगों से मिलता हूँ मैं, फटाफट चल भाई भगा लूँ माइनकार्ट। भक्ति ले रही है ये, इतनी धीरे धीरे कैसे चल रही है भाई? मैं सारी माइनकार्ट तोड़ने वाला हूँ, पहले सिलेजर को पहुंचाते हैं सेफली वहां पे। क्या नकली आदमी हूं मैं? नहीं नहीं ये चल क्या रहा है भाई? अब देखो विलेजर वापसी की तरफ आ जाएगा। हाँ मेरे को इससे पहले पहुंचना होगा, मिलता हूँ आप लोगों से वहाँ पे पहुँच के। तो गाइज अभी रात भी हो गई है और मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, बट वो विलेजर मेरे को नज़र भी नहीं आ रहा। वेट भाई, अब मानते हो या नहीं, बस इतना बता दो भाई, MLG वाला मानते हो या नहीं? हाँ भाई तू तो बहुत करो है। अरे भाई 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 शुक्रिया भाई। एक दो तीन, अब वो डायरेक्ट अंदर आएगा और मेरे को यही चाहिए। फटाफट से आ जा विलेजर, इतने मैं सुबह कर लेता हूँ। बाकी मेरे को मिनिमम 6 विलेजर लाके यहाँ पे बंद करने हैं कुछ भी करके, और यहाँ लगाऊंगा मैं आयरन का सीक्रेट डोर, जो ना ज़ॉम्बी खोल पाएगा ना ही ये विलेजर खोल पाएंगे। अरे कहाँ रह गया भाई, अगला दिन शुरू हो गया यहाँ पे भाई, रास्ता इतना लंबा है ना तुम लोग, भाई क्या ही बोलूँ मैं। देख रहा हूँ मेरे को चलने में इतना टाइम लग रहा है। मैं पता है विलेजर को बीच में छोड़ दिया था पीछे, क्योंकि उसकी माइनकार्ट हल्की थी। अभी वेट मेरे को सीन लग रहा है भाई, कुछ गिरा गया वो, या मैंने और माइंड कार्ड लगा रखी है। मैं वहाँ पहुँच के ही मिलता हूँ, ठीक है साथ ही चल लेते हैं यार। बाकी मैं हेबेल्स क्लच भी करूँगा, मतलब सीख रहे हैं मेरे को। वेट वो रहा भाई, मैं इसका रास्ता नहीं बिगाड़ूंगा, ये मेरे से टच होके दोबारा से चले आएगा, इसको जाने दो। जा 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 ब्रो, जा जा जा, बहुत ही हो भी। अब इसके पीछे पीछे ही चलते रहेंगे अपन लोग। ये माइंड कार्ड ना थोड़ी बहुत ग्लिच हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, बट अभी फ़िलहाल भगते हुए चलते हैं इसके पीछे। मेरे को अपनी पूरी इन्वेंटरी खाली पड़नी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को ना सामान लाना है वहाँ से भर 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 के, समझ रहे हो ना? कहाँ से मेरा जो सामान रह गया है विलेज में वो भी लेकर आना है मेरे को। बट चलो जल्दी से फ़िलहाल इसका पीछा करते हैं।
अभी यार मैंने MLG कर ली है तो घर मेरा बहुत दूर है, इससे बढ़िया सीढ़ियाँ ही उतर लेता हूँ। और हाँ गाइस, मेरे आर्मर पे फेदर फॉलिंग फोल्ड लगी हुई है तो दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। बस मेरे को इनसे मेंडिंग निकलवानी, कुछ भी करके मेरे को मेंडिंग निकलवानी, क्योंकि मैं बार बार ही ग्राइंड नहीं करना चाहता, मेरे को मेंडिंग निकलवानी ही निकलवानी है। अभी रुको, मैं ना एक काम करता हूँ, ये तो ही डर्ट ये लगा दी मैंने यहाँ पे, अब इसको उतार दे दो। मिली कि नहीं? हाँ भाई, पार्टी क्या हाल है? जाओ आ जाओ आ जाओ। अब अगर मैं सोच लो गाइस, मैं इसको खोल रहा हूँ, देखे कहाँ जाएगा ये। मैं इसको जॉब दे दूँ क्या? चार रैबिट के बदले एक एमरल्ड, अच्छा एक खाने वाला बंदा है भाई साहब। तो अभी मेरे ख्याल से रहेगा तो इधर ही। नहीं भग रहा है, भग रहा है, किस साइड भग रहा है मेरे को देखना है, एक मिनट वेट। इसमें जॉब चेंज कर लिया अपनी? नहीं नहीं भाई, जॉब है, घर तो सही सलामत है ना मेरा। भाई तू आ जा, तू वहाँ आ जा भाई पहले, वेट रुक जा। चल चल चल, चक दे फट्टे, चक दे फट्टे, चक दे फट्टे हो जाएंगे। खाना दू क्या? वेट भाई, कहाँ चला गया? कहाँ भग रहा है? यहाँ पे ऐसा क्या है? फरने, ओ वेट, मैं समझ गया, मेरे को फरनेस छोड़नी पड़ेगी। स्मोकर जो भी है इसकी जॉब चली आएगी, फिर देखते हैं। फरनेस नहीं, स्मोकर तोड़ता हूँ, देखता हूँ। गई गई नहीं गई जॉब? अभी भी इस पे जॉब, ये भी तोड़ देता हूँ। गई नहीं गई जॉब? अब भी है, मतलब वहाँ पे कोई फंडनेस या वो होगा, वो भी तोड़ना पड़ेगा मेरे को अगर मेरे को इसकी जॉब छीननी है तो। बट फिलहाल मेरे पे इसके लिए बहुत तगड़ा आइडिया है, अगर ये जॉब करना चाहता है तो। ये लो भाई, फर्नेस लगा, स्मोकर लगा रहा हूँ मैं। अब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं करना मेरे को। कहाँ गया? ओए कहाँ गया? वेट, दरवाजा खोल लिया। कहाँ चले गए? अरे ये स्लाइम कैसे स्पॉन हो रही है? हर दो दो मिनट में स्लाइम आ रहा है, कोई बात समझ नहीं आई। ऊपर जाके देखूं क्या? गया तो गया कहाँ भाई विलेजर? वेट भाई, गया तो गया कहाँ? ये रहा, ये रहा, अंदर जाएगा अभी, अंदर आएगा। आ जा आ जा आ जा, देख स्मोकर भी अंदर, फटाफट से आ जा। फर्नेंस भी लगा देता हूँ तेरे लिए, और बोल। फटाफट से इसको अंदर पहुँचाते हैं और मिलता हूँ फिर मैं आपसे। मैं चल ले भाई अंदर भाई, इसको सही कैप्चर करना पड़ेगा। एक मिनट रुको भाई, वेट चार्जिंग, वेट वेट गाइस, वेट 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 वेट, चार्जर कहाँ गया? वेट 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 गाइस, लिटरली 2% चार्जिंग है भाई। मैं आज पता है अपनी वन चंक की वीडियो आने आ चुकी होगी वैसे अब तक तो, वो एडिट कर रहा था सुबह से बैठ के, पूरी 54 मिनट्स की वीडियो थी और उसका जो टोटल शूट था वो आई थिंक सो क्या कहते हैं, पूरे के पूरे 2.5 घंटे में मैंने ख़त्म किया है। एंड ड्रैगन भी बीट कर दिया था मैंने उसमें। भाई आ जा यार प्लीज़ भाई प्लीज़, देख रात हो जाएगी फिर तू बेड पे आएगा। वेट रात होने इंतजार करते हैं, खुद ब खुद अंदर जाएगा ये सोने के लिए। चलो अभी मैं फिलहाल चलता हूँ दूसरे विलेजर की तरफ। एक आध विलेजर और उठा लेते हैं गाइस फटाफट से। तो गाइस अभी ऑलमोस्ट
5 विलेजर्स को मैंने अपना बंदी बना लिया है। और जो मेरा विलेजर था जो मैं वहाँ से लाया था उसको लिटरली सब ने मिल के मार दिया, जितने भी जोम्बीज थे बाहर, वो बंदा अंदर नहीं आया तो उन सबको मार दिया इन सब ने मिल के। देखते हैं भाई सब एक जैसे क्यों लग रहे हैं मेरे को, क्या बंदे हैं। इन सबको जॉब दूंगा अभी मैं थोड़ी देर में आ गया, पहले इन सबसे जॉब छीन ली आएगी। फिलहाल मेरे को तो बाहर निकलना है यहाँ से। ये लगाया ऐसे, अभी फटाफट से चलता हूँ सिलेजर के पास। अपनी माइंड कार्ड मेरे पे है नहीं, आई थिंक सो है ही क्या नहीं, मैं माइंड कार्ड बनाता हूँ फटाफट से। फिलहाल इसको यहाँ से फटने नहीं दूंगा मैं, आ जाना बेटा। मेरे बाबू ने थाना खाया एक ही फटके में गए ना तुम, शार्पनेस 5 है ब्रो, मजाक थोड़ी है। 2 शार्पनेस 4 की बुक्स मिलाई है, 1 शार्पनेस 4 यहाँ भी पड़ी है, 1 डायमंड पिकैक्स तुम्हारे भाई की यहाँ पे पड़ी हुई है। फिलहाल अब मेरा थोड़ा सा थिंकिंग ये है कि अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने लिए एक बो बनाने वाला हूँ, समझ रहे हो गाइस। बो यार ऐसा भी होता है क्या, फटाफट से मैं इन सबको जॉब देने वाला हूँ। एक को मैं दूंगा, मतलब पहले मैं सोच रहा हूँ कि इन सबको ना क्या कहते हैं विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाया जाए। जहाँ पे मतलब जैसे मैं जैसे कि क्या कहते हैं मैं इन सबको जॉब दूंगा वहाँ पे। अब ये मेरा लास्ट चक्कर लगने वाला है और वहाँ पे मैं उस आखिरी विलेजर को, मैंने शायद से माइंड कार्ड पर बिठा दिया था, उस आखिरी विलेजर को कुछ नहीं करना है मेरे को, वापसी लेकर आना है बस। बस 2 माइंड कार्ड बना लिए मैंने, पता नहीं 2 की बनाई है लेकिन फिर भी। फटाफट से इस पे बैठता हूँ राइड, चल जा भाई। अभी ट्राइडेंट होता तो भाई नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करके बताओ क्या करना है। या तो मैं विलेजर्स का ट्रेडिंग हॉल बनाऊंगा या फिर मैं जो हूँ इन सब विलेजर्स को, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाए मैंने किस विलेजर्स को क्या जॉब दी हुई है। आप मैं नेक्स्ट वीडियो तक थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग कर लूँगा विलेजर्स को, थोड़ी बहुत इनसे मतलब बुक्स निकलवाने की कोशिश करूँगा मेंडिंग वगैरह की। यहाँ पे सीन हो गया मेरे से गाइस, वेट मैं यहाँ पे से एक रेडस्टोन टॉर्च निकाल लूँगा अभी। वेट भाई ये क्या हो गया, 2 माइंड कार्ड कैसे आ गई। वेट आगे से उठा दो, बट नहीं वो वापसी भी आ सकती है बिकॉज क्योंकि बीच में टॉर्च टूट गई थी ना। फिलहाल मैं टाइम पास क्यों कर रहा हूँ, फटाफट से माइंड कार्ड में बैठते हैं। कितनी माइंड कार्ड बना ली मैंने, आई थिंक सो 1। भाई अगर इसको कुछ हुआ ना भाई मैं ऐसी तैसी मार दूंगा इसकी। भाई मेरे को लगता है माइंड कार्ड ना बोट की तरह चलती है, दोनों साइड दबाना पड़ता है भाई, ये हर बार की चलती है, मेरी अब नहीं होगी पक्का। और हाँ गाइस वीडियो का लाइक गेम रख लेते हैं पूरे के पूरे 15 लाइक्स का। अगर ये लाइक गेम आपने पूरा कर दिया तो जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, मतलब आप लोग सीधा मेरे मतलब क्या ही बोलूँ, डिड यू वॉन्ट टू गो आउटसाइड, बट वेट आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेट्स गो, भेज दिया उसको भी। अब फटाफट अपने लिए भी एक माइंड कार्ड बनाते हैं और इस पर राइट। क्या हो रहा है ये, अब नहीं छोड़ूंगा भाई मैं क्या गलती कर रहा हूँ बार बार ये। बैठ भाई चल भगा ले इसको, भग भाई। इसको तोड़ना पड़ेगा,
ये वापसी कैसे आ रहा है विलेजर? भाई लगता है कुछ गलती हो गई फिर से। चल भाई चल चल फटाफट से भगले 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 भगले। इतनी सारी टॉर्च लगा दी, देख रहा मैंने, रेडस्टोन ग्राइंडिंग और वॉर्ड हो गई। अच्छा बात ये है, ओके अब मैं समझ गया। अभी फिर इसको वापसी कर देंगे विलेजर से, है ना? सीन क्या चल रहा है यहाँ पे? आगे मेरे से गलती से टॉर्च टूट गई थी एक। इस वाली माइनकार्ट को तोड़ते हैं फटाफट से, विलेजर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्या कर रहा हूँ भाई मैं, फटाफट से विलेजर को पहुँचाता हूँ गाइस, फिर मिलता हूँ। तो गाइस अभी फिलहाल अपने सारे विलेजर्स आ चुके हैं और मैंने उनसे थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करके एक को बुक शेल्स निकलवा ली हैं एक से। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं इन लोगों से ट्राई करता हूँ मेंडिंग निकलवाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।